नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आने वाले 6 दिनों के अंदर आप सभी के जून काल में वो बड़े चमत्कार होने वाले हैं। वे बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है जिनके लिए आप पिछले समय से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, जिनके लिए आप पिछले समय बहुत ज़्यादा परिश्रम भी किए हैं। और दोस्तों, वह वक्त अब आपका आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आप यह बात जानते हैं कि भगवान शनिदेव कर्मों के देवता हैं, न्याय के देवता हैं। वह हर किसी जातक के जुनकाल में न्याय जरूर करते हैं। थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन दोस्तों वह किसी के भी साथ ना इंसाफी नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, और अब आपकी बारी आ चुका है। आने वाले 6 दिनों के अंदर भगवान शनिदेव का न्याय का फल आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों, जो बड़ी घटना आपके जुनकाल में रचित हुई है दोस्तों, सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। और जो भी आपसे ईर्ष्या करते थे, जलते थे दोस्तों, उनके भी यश में रोंगटे खड़े होने वाले हैं। जी दोस्तों, आपकी तरक्की का, आपकी सफलता का ऐसा चिंगारी चलेगा कि दोस्तों सभी की बोलती बंद हो जाने वाली है। और दोस्तों, आने वाले 6 दिनों के अंदर आप सभी के जुनकाल में उम्मीद का नया किरण जलेगा। जी हाँ दोस्तों, सभी लोग कहेंगे कि क्या किस्मत है इनकी, अचानक से कैसे इनकी किस्मत बदल गई, लोग यकीन नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हम आप सभी को बता दें कि ये सभी कार्य आपके कर्मों के ही अनुसार हो रहा है। जो भी आप कर रहे हैं दोस्तों, वही आपको मिल रहा है। भले ही आपको बहुत ज़्यादा दुख मिला है, भले ही आपको बहुत ज़्यादा कष्टों का सामना करना पड़ा है, लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें कि अब आपका हुआ कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने वाले हैं। अब आपका हुआ दुख धीरे धीरे खत्म होने वाले हैं। और दोस्तों, इन सभी के लिए आपको क्या करना है, आने वाले 6 दिनों के अंदर आपको कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना है, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में ग्रहों के गोचर पर निर्मित है, जिन्हें दोस्तों जानना, जिन्हें आपको समझना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो भी भगवान शनिदेव के सच्चे भक्त हैं दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे श्रद्धा भाव से जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, भगवान शनिदेव का अशुभ आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि भगवान शनिदेव का इसी प्रकार कृपा आप सभी के जुनकाल में हम लेकर आते रहें। तो आए दोस्तों, बात करते हैं, शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत ही अच्छे ज्ञान से, बहुत ही अच्छी कहानी से, जो कि दोस्तों आप सभी के जुनकाल के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होंगे। जिन्हें जान लेंगे तो दोस्तों आपके जुनकाल में ऊर्जा की एक अलग ही अनुभूति आपको मिलेगा और हर कार्यों में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, इन बातों को बहुत ही ज़्यादा गौर से सुने। दोस्तों, एक श्री कृष्ण भक्त अत्यंत गरीब महिला अत्यंत ही विकट स्थिति में आ गई। कई दिनों से खाने के लिए पूरे परिवार को नहीं मिला। एक दिन उसने रेडियो के माध्यम से श्री कृष्ण को अपना संदेश भेजा कि वे उनकी मदद करें। यह प्रसारण एक नास्तिक, घमंडी और अहंकारिक उद्योगपति ने सुना और उसने सोचा कि क्यों ना इस महिला के साथ कुछ ऐसा मजाक किया जाए कि उसकी श्री कृष्ण के प्रति आस्था डगमगा जाए। उसने अपने सेक्रेटरी से कहा, वह ढेर सारा खाना और महीने भर का राशन उनके घर पर देकर आए। और जब वह महिला पूछे किसने भेजा है, तो कह देना कि शैतान ने भेजा है। जैसे ही महिला के पास सामान पहुंचा, पहले तो उसके परिवार ने निरुक्त होकर भोजन ग्रहण किया, फिर वह सारा राशन अलमारी में रखने लगी। जब महिला ने पूछा नहीं कि यह सब किसने भेजा है, तब सेक्रेटरी से रहा नहीं गया तो उसने कहा, आपको क्या जिज्ञासा नहीं होती कि यह सब किसने भेजा है। उस महिला ने बेहतरीन जवाब दिया, इसमें पूछना क्या, श्री कृष्ण जब आदेश देता है तो शैतानों को भी उस आदेश का पालन करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का यह परम ज्ञान अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आई हो, तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और इनके लिए कमेंट बॉक्स में दें जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आए दोस्तों, से के साथ बात करते हैं कि आने वाले 6 दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में कौन कौन सी बड़ी और महत्वपूर्ण खुशखबरी मिलने वाली है, कौन सी विशेष बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। तो आए दोस्तों, बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, यह समय दोपहर के बाद परिस्थितियाँ आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहेंगी। बेहतर होगा कि दोस्तों यह समय दिन की शुरुआत आप अपने कार्य संबंधी रूपरेखा बनाकर करें।
विद्यार्थियों को भी अपनी मेहनत के अनुरूप यश में उचित परिणाम भी हासिल होंगे। दोस्तों, युवा वर्ग को अपने भविष्य को लेकर ज़्यादा सक्रिय और गंभीर रहने की आवश्यकता होगी। इस उपरांत यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों, यशोमय किसी मित्र के साथ कहासुनी हो सकती है। यशोमय धैर्य और संयम के साथ काम लें। वाहन या फिर किसी महंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को खराब करने की वजह से आपके सामने खर्चे भी आ सकते हैं। दोस्तों, कोई भी यात्रा करते समय बहुत अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों, यशोमय आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों काफ़ी सारी बातें आपके मन के मुताबिक होने की वजह से आपको आनंद भी मिलेगा, परिवार से आनंद प्राप्त होगा, पेशे संबंधित कोई खास खबर भी यश में आपको मिल सकती है जिनकी वजह से परिवार में आनंद का वातावरण बना रहेगा। दोस्तों, खर्चे कम होने की वजह से आप पर बना दबाव भी यश में कम होगा। इसके उपरांत दोस्तों, यशमय आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों यशमय कुछ समय से चले आ रहे तनाव से आपको राहत मिलेगी तथा पुनः घर की सुख सुविधाओं संबंधी जरूरतें पूरी करने का आपका जो पूरा प्रयास उसमें रहेगा। दोस्तों, आय के नए स्रोत भी यशमय बनने की संभावना बन रही है। दोस्तों, यशमय अधिकतम व्यवस्था के कारण आप घर पर आराम नहीं करेंगे। दोस्तों, यशमय संतान की वजह से कोई चिंता भी आपके ऊपर रह सकती है, परंतु दोस्तों यशमय गुस्से की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का हल निकालें, ये आपके लिए ज़्यादा उचित रहेगा। नकारात्मक विचारों को हावी यश में अपने ऊपर ना होने दें। इसके उपरांत दोस्तों, यशमय काम में गति प्राप्त करने की आपकी इच्छा होने के बावजूद भी आप यशमय मनचाहा गति अपने काम में नहीं ले पाएंगे। दोस्तों, यशमय काम के आखिरी वक्त तक नहीं कहोगे, काम आखिरी वक्त तक नहीं होंगे, लेकिन अंत में सारी चीज़ें आपके मन के मुताबिक होने वाली है। इसलिए दोस्तों, संयम रखना आपके लिए जरूरी होगा। मित्र परिवार की वजह से आपकी यशमय चिंता बढ़ सकती है। साथ ही दोस्तों, यशमय प्रॉपर्टी के सेल परचेज संबंधी कोई योजना बन रही है तो तुरंत उस पर अमल करें। यशमय ग्रह स्थितियां आपके पक्ष में है, आपको निश्चित ही सफलता की प्राप्ति होगी। दोस्तों, धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों के प्रति आपका यशमय रुझान बढ़ेगा, आत्मिक उत्थान करेगा। दोस्तों, ये जो आपके लिए समय होंगे, घर में किसी बात को लेकर कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों, संतान की गतिविधियों पर भी कड़ी नजर रखने की आपको आवश्यकता होगी। दोस्तों, मामा पक्ष के साथ अपने संबंधों को मधुर बनाकर रखें। यह समय अनावश्यक यात्रा के स्थगित रखने की आपको जरूरत होगी। इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपके लिए जो समय होंगे, अधिकतर वक्त अकेले गुजारने की वजह से आपके अंदर अकेलापन का डर बढ़ रहा है। दोस्तों, यशमय आपको अपने व्यक्तिगत दायरे से बाहर निकलकर लोगों के साथ संबंध सुधारने की कोशिश करनी होगी। नए कामों को करने से आप कोशिश करेंगे। दोस्तों, यशमय जिनकी वजह से आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, नए अनुभव भी आपको यशमय प्राप्त होंगे। इसके बाद दोस्तों, यशमय आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आप यशमय शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप को दृढ़ संकल्प या फिर सुदृढ़ महसूस करेंगे। दोस्तों, यह समय आपके लक्ष्य व फिर कार्य प्राथमिकता में रहेंगे। दोस्तों, कोई भूमि संपत्ति की खरीदारी संबंधी रूपरेखा भी यशमय बनेगा। रिश्तों की मजबूती को बढ़ाने में आपका यशमय विशेष योगदान रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों, यह समय संतान संबंधी किसी नकारात्मक बात को लेकर घर के वातावरण में कुछ उदासी भी छाई रहेगी, परंतु दोस्तों अपने सहयोग द्वारा समस्याओं को सुलझाने की आप कोशिश करें। जोखिम भरे कार्यों से यशमय दूर रहें। भाइयों को भी भौतिक व फिर भावनात्मक रूप से काफ़ी हद तक मदद की जरूरत पड़ सकती है। इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपके लिए समय होंगे, दोस्तों अभी तक ली हुई मेहनत का फल यशमय दिखेगा। फिलहाल दोस्तों, हर कोई बात आपकी योजना के मुताबिक होने वाली है, इसलिए दोस्तों व्यर्थ की चिंता को छोड़कर यशमय काम पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। छोटी प्रगति भी आपको यशमय बड़ा आनंद प्राप्त करवाएगा। वही दोस्तों, यशमय अगर आपकी करियर यानी व्यवसाय को लेकर बात करें तो दोस्तों, यशमय व्यवसाय में किसी भी तरह की साझेदारी के लिए समय उत्तम है। दिन के दूसरे पक्ष में स्थितियां अति अनुकूल हो जाएंगी, परंतु दोस्तों कार्यस्थल की आंतरिक स्थिति में कुछ बदलाव लाने की जरूरत होगी। दोस्तों, यशमय कर्मचारियों के साथ भी उचित सामंजस्य बना रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों, यशमय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि कार्य क्षेत्र में व्यापारिक मंदी की वजह से थोड़ी सी चिंता भी रहेगी। यशमय काम करने की प्रणाली में बहुत कुछ परिवर्तन लाने की आवश्यकता होगी। दोस्तों, नौकरी पेशा व्यक्तियों को भी कोई अनचाहा कार्य करने की वजह से दिक्कत का सामना करना पड़ेगा।
इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके करियर के लिए जो समय होंगे दोस्तों व्यवसाय के कार्यों में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आएंगी। सभी कार्य योजनाबद्ध तरीके से भी संपन्न होते जाएंगे। सरकारी सेवारत व्यक्तियों को यह समय दिन का जो हिस्सा होगा महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने का समय होगा। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे कभी कभी आपका उत्तेजित स्वभाव आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव उत्पन्न कर देता है। दोस्तों इसमें भावुकतापूर्ण व्यवहार रखने से घर का माहौल पुनः सुधर जाएगा। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे दोस्तों यह समय पति पत्नी के मध्य में उपज रहे तनाव का असर घर परिवार पर भी पड़ सकता है। हालांकि दोस्तों आप परिस्थितियों को संभालने में भी यह समय सक्षम रहेंगे। इसके बाद दोस्तों यह समय आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे दोस्तों पति पत्नी का आपसी सहयोग घर परिवार के वातावरण को भी सुखद और मधुर बनाकर रखेगा। इसके बाद दोस्तों यह समय आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे दोस्तों असंतुलित दिनचर्या तथा खान पान की वजह से पेट खराब रहेगा। यह समय वातावरण में अपने स्वास्थ्य का अत्यधिक ध्यान रखना आपके लिए अधिक आवश्यक होगा।